नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। शिवपाल यादव यूपी के जसवंत नगर सीट से विधायक चुने गए हैं। इसके बाद शिवपाल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए उनके आवास पहुंचे। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाम की धौंस देकर वाराणसी के एक बैरेज संचालक ने अपने भाई और 10 अन्य लोगों के साथ मिलकर एक ग्राहक से मारपीट की। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैबिनेट के सामने प्रस्तुतिकरण मंत्रियों को ही करना होगा। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सिर्फ सहयोग के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जारी किए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 पर काम शुरू कर दिया है। 1000 करोड़ रुपए से पिंक टॉयलेट बनाने का वादा किया गया था। योगी सरकार दोबारा सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं से पिंक टॉयलेट बनवाने का प्रस्ताव 7 दिन में मांगा गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के मंत्रियों को विभाग और कार्यालय आवंटित होने के बाद बुधवार को बंगले भी अलॉट कर दिए गए। राज्य संपत्ति विभाग के नियमों के मुताबिक जो बंगला जिस पद का व्यक्ति छोड़ता है उसी पद के दूसरे व्यक्ति को भी आवास आवंटित कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।